हिसार, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका खेत खलिहान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह, हाजिर है खेत खलिहान के एक नए एपिसोड में। आप जानते हैं कि खेत खलिहान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी संबंधी तमाम जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं जिसका आप उचित इस्तेमाल कर सकें। तो आज के खेत खलिहान में क्या है विशेष, सबसे पहले आपको ये बता दें, आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की, किस तरीके से महिला कृषि के क्षेत्र में भी बेहतर कर रही हैं और मजबूत हो रही हैं। इसके बाद बात होगी विदेशी सब्जियों की, जिसे उगाकर हमारे किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं खेत खलिहान की। खेत खलिहान में आज सबसे पहले बात आधी आबादी की, जिनके बिना समाज पूरी तरीके से विकास नहीं कर सकता है, और ऐसा ही देखने को मिलता है कृषि के क्षेत्र में भी। महिलाएं कृषि में बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं, और अच्छी बात यह है कि अब उनके योगदान को सराहा भी जा रहा है, उसे पहचान भी मिल रही है। महिलाएं कैसे कृषि के क्षेत्र में सशक्तिकरण से जुड़ रही हैं, कैसे वो मजबूत हो रही हैं और एक नया आत्मविश्वास उनमें पैदा हो रहा है, आइए देखते हैं। मणिपुर भारत के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित एक छोटा सा राज्य है। यहाँ पर प्रतिवर्ष साल में 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर तक वर्षा होती है, और साल भर में 60 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस तक का मौसम रहता है। इस राज्य पर भाप की मात्रा यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगभग 74% है। प्राकृतिक रूप से भगवान ने हमें पानी, हवा, जलवायु आदि स्थिति प्रदान की है, जिस कारण यहाँ के किसानों के आय का स्रोत कृषि है। इस राज्य में कृषि को आय के स्रोत में लेने वाले जिलों में थौबाल जिला भी एक है। अप्रत्याशित रूप से इस गांव की महिलाओं की आबादी 100% में से 81% है, जिसमें से 55% पुरुष श्रमिक के रूप में काम करते हैं और कृषि गतिविधियों से होने वाली आय को बढ़ाते हैं। थौबाल जिले के लिलोंग सब डिवीजन के अंदर जो लैफ्राकपम गांव है, वहां की श्रीमती वैराकपम विमोला देवी एक गृहिणी होने के नाते बाहरी गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम नहीं थी, लेकिन एक महिला किसान के रूप में कृषि में उनकी रुचि के कारण बहुत अधिक है। वो पिछले 10 सालों से कृषि पर अपना जीवन समर्पित करती हुई आ रही है। बेहतर आय के लिए वो अपने खेत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगा रही है। जो भी मैं कर रही हूँ बिना किसी के मदद के कर रही हूँ, अपने मेहनत से अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ और उन्हें अच्छे से पाल रही हूँ। प्राचीन काल से मणिपुर में मछली को एक महत्वपूर्ण व्यंजन मानकर बड़े चाव के साथ खाया जाता है, और यहाँ के महिला किसान भी मछलियों का पालन करती है। ऐसे महिलाओं में श्रीमती विमोला देवी भी एक है। विमोला देवी मछली के उत्पादन में वृद्धि करके अधिक आय प्राप्त करने की लगातार कोशिश कर रही है। उसके पास एक बड़ा तालाब है जिसमें वे रौ, मृगल, कतला, बाव, ग्रास काप, सिल्वर काप आदि मछलियां पाल रही है। मेरे पास 3 तालाब है। तीनों तालाबों में मछलियां रौ, मृगल, कमल, सिल्वर, ग्रास क्रब है, जिसमें मैं लगभग 20,000 रुपए निवेश करती हूँ। पिछले साल निंगोल चकोबा के दौरान हमने इस वाहन में बेचा था, और इस साल भी लोगों के दावत या यज्ञ के दौरान उन्होंने इसे पहले ही मंगवाया और फिर हमसे लिया। मछली बेचने में हमें कोई परेशानी नहीं है, इसकी मांग अधिक है। श्रीमती विमला देवी मछली पालन के अतिरिक्त गाय, बतख, मुर्गी, सुअर आदि भी बड़ी मात्रा में पाल रही है। ये कहना अतिशयोक्ति ना होगा
कि वो लंबे समय से गाय, बतख, मुर्गी, सुअर आदि का पालन पोषण करती आ रही है। इन सारे कामों से वो अतिरिक्त धन कमाने की कोशिश में लगी हुई है। वो जो पैसा कमाती है वो न केवल उसकी घरेलू जरूरतों को पूरा करती है बल्कि अपने बच्चों के पालन पोषण में भी बड़ी मदद करती है। बिमला देवी के सपने को सच करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र थौबाल द्वारा बिमला देवी को समय समय पर सहायता करती आ रही है और इस सहायता से वो काफी हद तक कामयाब होने में सफल हो पाई है। कृषि विज्ञान केंद्र थौबाल और उद्यान कृषि विभाग ने विमोला देवी को पोली हाउस और नेट प्रदान किए। उन विभागों द्वारा दिए गए पोली हाउस और नेट हाउस में विमोला देवी ने विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई हैं, जिनमें से किंग सिली अतिरिक्त धन कमाने में मदद करती हैं। ग्रीन हाउस यह ग्रीन हाउस जिसे केवीके थौबाल के तहत बनाया गया है, इसे मेरे आवेदन के बाद बनाया गया था। नेट के अंदर लगाए जाने के बाद फसलें जंगली घास से सुरक्षित हैं और उसमें किंग चिली बढ़ती रहती है जो सरती और सूखती नहीं है और उन्हें कोई रोग नहीं होती। मेरे विचारों के अनुसार अंदर रोपण करना बेहतर है। हम बाहर भी लगा कर देख चुके हैं पर वे झड़ जाते हैं पेड़ पर लगाने के बावजूद। इस साल हमने 2 मोन से अधिक फल तोड़े पर अभी से ही हम एक के बाद एक कलियां प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हम बेचना जारी रखेंगे। मेरे लिए ग्रीन हाउस के अंदर और बाहर की चीजों के लिए वर्मी कंपोस्ट और बतख या मुर्गी का पालन हो, मेरे परिवार में हर कोई एक साथ काम करते हैं और अगर किसी को स्कूल जाना हो या अन्य चीजों में काम है तो मैं आस पड़ोस के लोगों को मदद के लिए बुलाती हूँ। एक साल में मुझे 4 से 5 लाख रुपए मिलते हैं, जिसकी वजह से मैं अपने घर की देखभाल करने और अपने बच्चों को पालन में सक्षम हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं जिनका मैं बहुत आसानी से पालन पोषण कर सकती हूँ। बिमला देवी द्वारा उत्पादित अत्यधिक फसल तो ऑर्गेनिक होता है, इसलिए लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं। इन सभी उत्पादनों को जैविक उत्पादन बनाने के उद्देश्य से एक बर्मी कंपोजिटिंग यूनिट भी बिमला देवी ने पास में रखा और इसे उपलब्ध बर्मी कंपोस्ट को वो अपने खेतों में प्रयोग करती हैं। हमने किसी भी प्रकार का रसायनों का उपयोग नहीं किया है। 2 साल हो गए हैं मैं जैविक खेती कर रही हूँ। हम गोबर या खाद या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं। इसके अलावा सुअर पालन में भी हमने ट्रेनिंग लेते वक्त जो केमिकल्स के बारे में सीखा, उनमें से लकड़ी के टुकड़े, चारा और कोयले जैसे चीज हम सुअर बाड़ा में रखते हैं और उसी से खाद निकालते हैं और सब्जियों के लिए प्रयोग होता है। मणिपुर राज्य में दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है और उत्पादन में वृद्धि के लिए भी उपकरणों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना किया जा रहा है। ये महिला किसान अपने खेत में धान को उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रही है। SRI प्रणाली इस फसल किसान द्वारा उपयोग किया जाता है। SRI का अभ्यास करने के लिए KVK ने हमें सिखाया और प्रशिक्षण दिया। जुटाई के बाद भी हम इसे KVK को दे देंगे। सबसे पहले केवीके ने हमें बीज प्रदान किया। बीज मिलने के बाद हमने निर्देशन किया और पालने तथा SRI के बाद केवीके कर्मचारी जांच के लिए आते हैं। उनके साथ मिलकर हम पौधों को लगाते हैं और जब हम उसे तोड़ते हैं तब भी वे निरीक्षण के लिए आते हैं। उर्वरकों को फैलाने की प्रक्रिया केवीके द्वारा सिखाई गई थी और हमने उनके साथ ही ये सब किया। केवीके इसे ले जाएंगे। केवीके 30 रुपए प्रति किलो लेते हैं। अगर केवीके इसे प्रमाणित करते हैं तो मैं उन्हें जो कुछ भी चाहती हूँ दे सकती हूँ। मैं अपने लिए कुछ भाग अलग करती हूँ और उन्हें बड़ा भाग देती हूँ। जैसे कि मैंने सोचा है केवीके को 40 रुपए के दाम में 40 kg दिया जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे लगभग 40,000 से 45,000 रुपए मिलेंगे। निवेश की गई राशि में काफी कम आई है। कमी SRI के अभ्यास के कारण हुई है। केवीके ने हमें कुछ उपकरण दिए हैं
जिनकी वजह से मेहनत और मजदूरी कम हो गई है पिछले वर्ष की तुलना में। विमला देवी का अंतिम उद्देश्य है अपने ही ग्रामीण महिलाओं को एक साथ जोड़कर कृषि के कार्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मेहनत करने की आदत डालना और अधिक उत्पादन करके एक विकसित बनाना इनका एकमात्र उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए महिलाओं को एक साथ जोड़ना। अभी आपने महिला सशक्तिकरण पर एक खास रिपोर्ट देखी। इसी के साथ ही वक्त हुआ है खेत खलियान में एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे विदेशी सब्जियों की, जिससे हमारे किसान उगाकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद खेत खलियान में एक बार फिर आपका स्वागत है। खेती किसानी में आज के दौर में हमारे किसान नई चीज़ों को अपनाने से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि बेहतर तरीके से जानते हैं कि बदलते दौर के साथ उन्हें बदलना होगा, तभी उन्हें लाभ होगा। आज हम विशेष तौर पर आपको बताएंगे कि कैसे आप विदेशी सब्जियां अपनी सरजमीं पर उगा कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पर बड़े शहरों में इनकी अच्छी खासी मांग है, और इस बात को पहचान कर हमारे किसान भी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आइए देखते हैं। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे विदेशी सब्जियों की। जब हम विदेशी सब्जियों की बात करते हैं तो आम तौर पे हमारे दिमाग में आता है कि ये सब्जियां विदेश से आ रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये विदेशी सब्जियां बहुत पहले विदेशों में प्रचलित हुआ करती थी, किंतु हाल के वर्षों में ये सब्जियां अब हमारे मुल्क में भी काफ़ी प्रचलित हो गई हैं, और कुछ किसान भाई इसकी खेती करते हैं। ख़ास तौर के जो महानगर के आसपास के जो किसान होते हैं, चाहे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, या जो छोटे छोटे शहर भी हैं जैसे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, पटना, इनके आसपास के भी जो किसान हैं, वहाँ वो इन सब्जियों की खेती करके काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी सब्जियाँ हैं जिनको हम अभी भी विदेशी सब्जियों के नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले जैसे हम ब्रोकली को पहले लोग, कुछ लोग रंगीन गोभी समझते थे, तो ब्रोकली है। उसके बाद हम चाइनीज कैबेज, जिसको हम पाकचोई भी कहते हैं, चाइनीज कैबेज है। जो कैबेज होता है, यानी जो बंद गोभी होती है, वो आप बाजार में देखते हो हरे रंग की होती है, किंतु एक लाल रंग की बंद गोभी होती है जो हम रेड कैबेज के नाम से कहते हैं। इसी प्रकार एक ब्रुसेल्स स्प्राउट होता है, ये भी जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, इन्हीं प्रकार की सब्जियां होती हैं, लेकिन उसमें जैसे जो बंद गोभी है वो बड़े बड़े होते हैं, इसमें बिल्कुल छोटे छोटे से आकार के, अमरूद के आकार के छोटे छोटे या उससे भी छोटे छोटे इसमें हेड्स लगते हैं, जिनको हम ब्रुसेल्स स्प्राउट कहते हैं। विदेशी सब्जियों में अगर हम पत्तेदार की बात करें तो लेट्यूस है, जो पत्ते के या सलाद के नाम से भी बाजार में बिकता है। जब आप किसी 5-स्टार होटल में जाते हैं, आजकल जो हम पिज्जा बर्गर खाने वाले जो हमारे यंग जो नौजवान हैं, उसमें वो सलाद का पत्ता जो होता है वो लेट्यूस होता है, तो आज हम उसकी भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसी के साथ जो हम प्याज और जो कंद वाली जो होती हैं, उनमें भी कुछ होती हैं, जैसे लीक का आपने नाम सुना होगा, ये भी एक विदेशी सब्जी के रूप में आता है। इसमें उसकी जो डंठल होती है वो सफ़ेद रंग की, उसको हम एज ए सूप में हम यूज करते हैं। फिर अगर हम दूसरी एक और हम बात करें, जैसे हम आमतौर पर हम हरी सब्जियाँ खाते हैं, हमारे संस्थान ने एक बंचिंग अनियन है, उसकी भी एक प्रजाति विकसित की है, जो बंचिंग अनियन भी आप ग्रीन के जो हरी प्याज के रूप में भी खा सकते हैं, और उसके भी जो पत्ते हैं उनको भी खा सकते हैं, और जो उसका तना होता है इसको भी आप खा सकते हैं। तो आम तौर पे ये सारी सब्जियां जो मैंने बताई, ये जो विदेशी सब्जियां हैं, ये हमारे जारे की मौसम की हैं। अभी जो आगामी सितंबर माह का अंतिम सप्ताह है या अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह से इन सभी सब्जियों की हम, इनकी जो रुपाई का काम है, ये हम प्रारंभ कर सकते हैं।
सबसे पहले ये जितनी हम विदेशी सब्जियों की बात करते हैं, इनमें जो बीज होते हैं इसके ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इनके लिए हम इनकी नर्सरी हम तैयार करते हैं। इनके जो नर्सरी में जो बिजाई का जो समय है वो उपयुक्त समय होता है जब आम तौर पे तापमान जो है वो 25 डिग्री के आसपास हो जाता है। पूरे उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो सितंबर का अंतिम सप्ताह या अक्टूबर का प्रथम सप्ताह जो है ये इनके लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। अब हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि आप नर्सरी किस प्रकार से तैयार करें। वैसे किसान भाई आप जानते ही हैं, हम जिस प्रकार बाकी अन्य सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं उसी प्रकार से हम इसकी भी नर्सरी हम तैयार करते हैं। नर्सरी की चौड़ाई जो होनी चाहिए हमको बेड बना के करनी चाहिए 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी और 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची अगर बेड हो तो वो नर्सरी के लिए सबसे उपयुक्त होती है। और हर एक बेड पे कम से कम 20 से 25 किलोग्राम गोबर की खाद हमें डालनी है। गोबर की खाद अगर हम डालते हैं उस समय अगर ट्राइकोडर्मा हर्जियानम हो या ट्राइकोडर्मा का अगर पाउडर अगर आप गोबर की खाद में मिला के अगर उस पर डालते हैं तो जो फंगस होते हैं या जो अन्य जो रोग होते हैं जो डैम्पिंग ऑफ की बीमारी आती है नर्सरी में उससे आप मुक्ति कर सकते हैं। नहीं मिलता है तो फिर उसी में आप वेवेस्टिन मिला सकते हैं या कैपटॉप मिला सकते हैं। और जब आपकी नर्सरी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाती है उसके बाद उसमें करीब लाइन खींच दीजिए और 5 सेंटीमीटर के अंतराल पे उसमें जो उसकी चौड़ाई है उसकी तरफ से लाइन खींच दीजिए। उसके बाद उसमें बीज को डालना है 1-1, 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे। उसके उपरांत या तो जो रेता है रेता से आप ढक सकते हैं या जो बिल्कुल गोबर की सरी हुई गोबर की अगर खाद है उसका भी भुरभुरा बना के आप उसको ढक के उसके उपरांत जब बिजाई आप कर लेते हैं तो जो सूखी घास होती है सूखी घास हमको बेड के ऊपर डालना होता है। उसके बाद हम हल्की उसमें सिंचाई कर देते हैं और जब उसमें जब पौधे निकल जाते हैं यानी अंकुरण हो जाता है उसके 3 से 4 दिन के उपरांत आमतौर पर पौधे निकल आते हैं उसके बाद हम उन घासों को हटा देते हैं। इस प्रकार से आपकी जो नर्सरी होगी ये आप काफ़ी उन्नत नर्सरी आपकी तैयार हो जाएगी। अब अगर हम बीज दर की अगर हम बात करें और प्रजातियों की बात करें कि कौन सी प्रजातियां इस समय हम लगा सकते हैं, सबसे पहले हम ब्रोकली की बात करते हैं क्योंकि ब्रोकली इन सभी सब्जियों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ब्रोकली में भी 2 तरह की ब्रोकली आती है, एक हम कहते हैं स्प्राउटिंग ब्रोकली और एक हम कहते हैं हेडिंग ब्रोकली। हेडिंग ब्रोकली जो होती है जैसा फूल गोभी होता है उसी के तरह का होता है, किंतु जो स्प्राउटिंग ब्रोकली है वो काफ़ी प्रचलित होता है। स्प्राउटिंग ब्रोकली की जो हमारे पूसा संस्थान की एक प्रजाति है पूसा KTS1, किंतु यह प्रजाति जो होती है इसकी सीड जो हैं वो सिर्फ जो ठंडे इलाके होते हैं वहीं पे पैदा होते हैं, इसीलिए जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो कटरैन केंद्र है वहीं इसका बीज उगता भी है और वहीं से इसका बीज प्राप्त भी किया जा सकता है। तो आप पूसा KTS1 ले सकते हैं या जो पालमपुर विश्वविद्यालय है जो हिमाचल प्रदेश की विश्वविद्यालय है वहाँ की भी कुछ प्रजातियाँ हैं जैसे पालम समृद्धि है पालम विचित्रा है, इन प्रजातियों का चयन आप कर सकते हैं। अगर हम इसके बीज दर की अगर हम बात करें तो लगभग 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए, यानी कि आपको करीब 10 क्यारी जो नर्सरी की मैंने बताई थी 10 क्यारी आपको लगानी है और एक क्यारी पे करीब करीब 35 से 40 ग्राम बीज हमको डालना है जो पूरे 1 हेक्टेयर एरिया के लिए सफिशियंट हो जाएगा। इसी प्रकार अब अगर हम जो ब्रसल्स स्प्राउट की बात करें इसमें हिल्स आइडियल नामक एक प्रजाति है और इसका बीज करीब 600 से 700 ग्राम आपके लिए सफिशियंट है। चाइनीज कैबेज में आप पाकचोई ले सकते हैं, इसका भी करीब 600 से 700 ग्राम जो है वो पर्याप्त है। अब अगर हम लेट्यूस की बात करें जिसको हम हिंदी में सलाद पत्ता या ग्रीन सलाद के नाम से हम जानते हैं, सलाद में 2-3 अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ सलाद ऐसे होते हैं जो खुले पत्ते की तरह होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो क्रिस्प हेड बनाते हैं और कुछ रोमेनो टाइप के होते हैं या जिसको हम कॉस टाइप भी हम कहते हैं, किंतु इसमें जो क्रिस्प हेड टाइप का होता है जिसमें आइसबर्ग प्रजाति जो है वो काफ़ी प्रचलित प्रजाति है, ये सबसे अच्छी प्रजाति भी मानी जाती है क्योंकि इसकी डिमांड में मांग काफ़ी अच्छी होती है। नर्सरी इसकी आपको लगा लेनी है बिल्कुल अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक और ये जो भी हम सब्जियां अभी हम बता रहे हैं इनके करीब 35 दिन के आसपास की जब नर्सरी हो जाएगी 30 से 35 दिन यानी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के बिल्कुल शुरुआत में इनकी हमें खुले खेत में जहां पे आप खेत में बिल्कुल तैयार करके वहां आप इनकी रोपाई कर सकते हैं। तो आप लेट्यूस में आइसबर्ग लगा सकते हैं या ग्रेट लेक्स है उनका चयन कर सकते हैं और आप अपने बाजार के हिसाब से आजकल जैसे जो ब्रॉन्ज कलर का होता है उस तरह का भी जो लेट्यूस आता है मार्केट में उसको भी आप ले सकते हैं। अब अगर हम रेड कैबेज की बात करें जो लाल रंग का होता है, किंतु ये भी हम सलाद के पर्पस से ही ये लाल रंग का जो सलाद होता है इसको हम अच्छा होता है उसको हम मार्केट में हम बेच सकते हैं। उसमें रेड एकर नामक एक प्रजाति है उसका आप चयन कर सकते हैं।
जो बाहर के मुल्क होते हैं, यहाँ जो भी सब्जियाँ मैं आपको बता रहा हूँ उनको वो कच्चा खाते हैं। अगर इन सब्जियों को अगर हम कच्चा खाते हैं, चाहे हम ब्रोकली खाएं, चाहे हम ब्रसल्स स्प्राउट खाएं, या हम लेट्यूस खाते हैं, तो उसमें हमें जो पोषक तत्व होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। ब्रोकली में जो पोषक तत्व होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो कॉलीफ्लावर से बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वो तब हमें मिलता है जब इसका हम कच्चा अगर हम सेवन करते हैं। इसको अगर हम फ्राई करके अगर हम बनाते हैं तो फिर इसमें उसका जो न्यूट्रिशन की मात्रा जो होती है वो घट जाती है। अब अगर हम इसकी रोपाई की बात करें, तो जैसे मैं बता रहा था, अगर नर्सरी आपकी तैयार हो गई है, 30 से 35 दिन के बाद आप खेतों को बिल्कुल अच्छी तरीके से, जैसा आप गोभी के लिए करते हैं, चाहे बंद गोभी चाहे फूल गोभी, उसके लिए आप तैयार कर लें खेतों को, और उसमें हम जो खाद की हम उचित मात्रा हम मिला लेते हैं। अगर हम खाद की बात करें तो लगभग हमें 100 से 120 ग्राम हमको नेत्रजन चाहिए, तो उसका आधा यानी 60 केजी नेत्रजन और करीब 75 केजी फॉस्फोरस और 60 केजी पोटास। तो फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा हमें खेत में पहले मिला देनी है। उसके बाद जिस दिन हम रोपाई करेंगे उसे एक दिन पहले जो खरपतवार नाशी है, यानी जो पेंडीमिथिलीन या स्टाम्प के नाम से बाज़ार में उपलब्ध होता है, उसका हम पूरे खेत में हम छिड़काव कर देंगे। उसकी जो मात्रा होगी वो करीब 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में, और एक हेक्टेयर के लिए करीब 400 से 500 लीटर पानी पर्याप्त होता है। उसका आप उसमें स्प्रे कर दें, उसके बाद आप हल्की सिंचाई कर दें, और उसके एक दिन के बाद अगर आप रोपाई करते हैं तो खरपतवार नाशी के कारण कम से कम आपका जो खेत होगा वो 25 से 30 दिन तक उसमें कोई भी खरपतवार नहीं आएंगे। ये आप रेड कैबेज के लिए भी कर सकते हैं, ये आप लेट्यूस के लिए भी कर सकते हैं, ये आप ब्रोकली के लिए भी कर सकते हैं, और ये कोई भी अन्य जो भी सब्जियां हम बता रहे हैं उनके लिए भी आप ऐसा अगर करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। अब जो मैं दो अन्य सब्जियों की बात मैं कर रहा था, जैसे लीक है, लीक के लिए पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की एक प्रजाति है पालम पौष्टिक, या लंदन फ्लैग करके एक प्रजाति है जो बाहर से आई थी, इनका भी आप चयन कर सकते हैं। और इनकी जो मात्रा होगी बीज की, ये करीब 5 से 6 केजी होगी। इनका भी आप अक्टूबर के प्रथम सप्ताह या सितंबर के अंतिम सप्ताह में इनकी नर्सरी आप डाल सकते हैं। इसी प्रकार जो मैं बंचिंग अनियन बता रहा था, उसकी प्रजाति हमारे संस्थान की तैयार की गई है पूसा सौम्या, इनका भी आप चयन कर सकते हैं, और उसका भी सीड रेट यही 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर आपको लेना है। लेकिन इनकी नर्सरी कम से कम 45 से 50 दिन के बाद ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार होगी, यानी करीब करीब अक्टूबर के अंत में या नवंबर के प्रथम सप्ताह में इनकी नर्सरी तैयार होगी, तब इनको आप खुले खेतों में लगा सकते हैं। इनमें भी आपको खरपतवार नाशी का उसी प्रकार से प्रयोग करना चाहिए जिससे आपकी फसल अच्छी हो सके। जो ये भी जो भी फसलें मैं बता रहा हूँ विदेशी सब्जियाँ, इनका जब बढ़वार के लिए जो तापमान होता है वो करीब 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान होता है वो उपयुक्त होता है। लेकिन जो ब्रोकली है, जैसे उसकी जो हेडिंग का टाइम है, जब उसमें हेड बनते हैं, उस समय में तापमान अगर 10 से 15 डिग्री का होता है, जो आमतौर पर उत्तर भारत का जो मैदानी हिस्सा है उसमें करीब दिसंबर और जनवरी का जो सीजन जो मौसम होता है उसमें ये उपयुक्त तापमान होता है। इसीलिए आपको ब्रोकली इस तरीके से लगानी है कि जो दिसंबर में उसमें हेड बन जाए, या जनवरी 10 से 15 जनवरी तक उसमें हेड बन जाए, और उसको अगर आप मार्केट में बेचेंगे तो उस समय उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी। जब आपका हेड बन जाए, आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर उसकी कलिकाएं होती हैं वो खिलने नहीं चाहिए, बिल्कुल वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, और उसका जो सेंटर का कोर है करीब करीब 300 से 600 ग्राम का एक एक कर्ड आप उसमें से कटिंग करके नीचे का करीब 10 से 15 सेंटीमीटर तक डंठल सहित आप उसको चाकू से या छुरी से कटाई करके, फिर उसके उपरांत उनको आप कार्टून में या करेट में रख के अगर आप बेचते हैं, आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि उनका खिलना नहीं चाहिए, जो कलिकाएं होती हैं, जो बड्स होते हैं, उनमें स्प्राउट नहीं आनी चाहिए, तब वो अच्छा माना जाता है, और जो उसकी कर्ड है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, फिर जो उसकी कलर होती है वो भी अच्छी होती है। जो किसान भाई जैसे ब्रोकली लगाते हैं वो एक काम और कर सकते हैं कि जब 20 दिन का करीब ब्रोकली का पौधा रोपाई के बाद आप 1 से 2% यूरिया का घोल बना के अगर आप उसमें स्प्रे करते हैं फोलियर स्प्रे, तो उसकी बढ़वार भी अच्छी होगी और आपकी जो फसल होगी उसकी पैदावार भी अच्छी होगी। तो ये था आज का खेत खलिहान। आशा करते हैं आज के एपिसोड में सभी जानकारियां हमने आपको दी उससे ज़रूर आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपको महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया और दूसरे भाग में जानकारी दी विदेशी सब्जियों के बारे में। फिलहाल दीजिए इजाज़त, खेत खलिहान के नए एपिसोड में नए जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।